दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। देखो आज मैं एक नुस्खा आपको बताऊंगा लेडीज़ के ऊपर। मैं ज़्यादातर देखो गुप्त रोगों के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूं और ये मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को हर चीज़ से वाकिफ़ कराना मेरा कर्तव्य। कर्तव्य माने मैं कोई ऊपर से सीखे नहीं आया हूँ, सब ग्रंथों से ही पढ़ पढ़ के बताता हूँ आपको, उनसे ही बना के तैयार करके सब कुछ देता हूँ आप लोगों को। उनमें जो 100% लिखा होता है उसका 100% बताता हूँ, उनमें जो कम लिखा होता है वो कम बताता हूँ, है ना। जैसे उसमें होता है, जैसे हमारे पूर्वजों ने बना के तैयार करके लोगों को दिया है, खाने को दिया। हाँ, लेकिन काम पूरा करते हैं। बस ये है कि यार कि अब आदमी हाइब्रिड हो चुका है, देसी नहीं रहा है, हाइब्रिड हो चुका है। तो आप जानते हो हाइब्रिड लोगों को किस तरह की वही मक्खी मार दवाई दी जाती है पौधों में, तभी वही बढ़ते हैं। चलो वो छोड़ो। तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल लेडीज़ के ऊपर होने वाला है, लेडीज़ के ऊपर। जैसे देखो जिन लेडीज़ों की योनि जो होती है, भगद्वार जो होता है, योनि द्वार जो होता है, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है एक तरह से। अभी जो जेंट्स लोग हैं, आज कोई इंसान है, कोई मर्द है, किसी स्त्री के पास जाएगा, उसका जो भगद्वार है वो ज़्यादा बड़ा है, तो वो मतलब कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा लगता है कि यार ये बेकार है, छोड़ो, कुछ नहीं करना मुझे, संभोग वगैरह कुछ नहीं करना। तो इस ये जो समस्या आ जाती है इन लोगों में, ये एक भ्रम हो जाता है कि यार इसकी योनि इतनी मतलब बेकार है तो सही नहीं रहेगा। तो अब ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा, आप लोगों को बस एक नुस्खा बता देता हूँ। जो लेडीज़ हैं जिनकी योनि फैल चुकी है, बड़ी हो चुकी है, उनको छोटा करना चाहती हैं, उसकी एकदम 16 साल की लड़की के माफिक अगर करना चाहते हो, तो ये अगर नुस्खा अपना लिया आपने, तो केवल एक बार में ही आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और लगातार आपने 8 से 10 दिन अगर यूज़ कर लिया, तो आपकी जो योनि का संकुचन, योनि संकुचित हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और बहुत ही आपको अच्छा महसूस होगा। आप कहोगे कि हाँ अजय भाई ने बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया था हमें, जो हमारी समस्याएं ख़त्म हो गई। तो आपको करना क्या है, बस आपको जो अपना पेड़ होता है भांग के पेड़ से, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये है भांग का पेड़, ठीक है। ये भांग का, इसके जो बीज हैं ये छोटे छोटे, इस पे बीज लगे हुए हैं, इन बीजों को तोड़ लो, ठीक। इन बीजों को तोड़ के सुखा लो, या ना सुखाओ तो पूरा इसको पूरा निकाल लो, ये पूरा निकाल के और इसे सुखा लो। सुखाने के बाद अब क्या करना है आपको, अगर इसे सुखा लिया आपने, सुखाने के बाद आप इसको पाउडर बना लो। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना के एक हल्की सी मलमल का कपड़ा लेने के बाद, उसमें इस पाउडर को, ये जो पाउडर आपने बनाया है सुखा के, उस मलमल के कपड़े में बांध दो। बंध गया। बंध जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पोटली को योनि में अंदर रख देना है, ठीक है। इसे कम से कम 1 घंटे तक रखना है, चाहे आप रात को रख दो, चाहे दिन को रख दो, कभी भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो इस जो ये जो आपने पाउडर इसका बना के इसको मलमल के कपड़े में लपेटा, उसे योनि में रख के, और बस ऐसे समझ लो भूल जाओ कि अब कुछ रखा ही नहीं है। 1 से 1.5 घंटे तक इसे रखे रहोगे, तो फिर इसे योनि से बाहर निकाल दोगे, उसके बाद देखना आपकी योनि कितनी संकुचित हो जाती, कितनी टाइट हो जाती है। तो ये जो नुस्खा है ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा। मैंने और भी नुस्खे बताए थे हेलो तो अब बंद कर दिया लोगों ने, और ऐसे नुस्खे, अब देखो भैया जो बीमारी हैं वो तो मैं बताता हूँ आपको, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो तो मुझे नहीं पता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।